हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल टी एडवाइज। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। एक वर्ब के पांच शक्ल होते हैं और इन पांचों के पास अपना हेल्पिंग वर्ब होता है जो वक्त आने पर इनका मदद करता है, इनकी सहायता करता है। तो आइए देखें इसका क्या हेल्पिंग वर्ब है और किस हेल्पिंग वर्ब में क्या खास बात है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो पहला रूप या शक्ल होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी तीसरा शक्ल होता है, हैव या हैड होता है। और जो चौथा शक्ल होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वाज वर्ब होता है। और जो पांचवा फॉर्म होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब डज होता है। अब आइए इनके बारे में एक खास बात जानें। पहला, दूसरा और पांचवा शक्ल जब पॉजिटिव में रहता है, अपने सकारात्मक शक्ल में रहता है, तो अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेता है। लेकिन जब ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव शक्ल में रहता है, तो अपने हेल्पिंग वर्ब का मदद लेता है। कमाल की बात यह है कि जब ये अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद लेता है, तो फिर तो एट ईट बन जाता है, यानी सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। और ये इट्स यानी पांचवा शक्ल पहले शक्ल में चेंज हो जाते हैं, यानी इट्स ईट बन जाते हैं। तो हमने यहां दो बात क्लियर किया कि वर्ब का पहला, दूसरा और पांचवा शक्ल जब पॉजिटिव रहते हैं, तो अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेते हैं। लेकिन जब ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं, तो अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। और जब ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनते हैं, तो अपना फॉर्म छोड़ देते हैं और अपने ओरिजिनल शक्ल में आ जाते हैं, यानी सभी फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। अगर हम बात तीसरा और चौथा की करें, तो तीसरा और चौथा हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं और ये कभी अपना शक्ल चेंज नहीं करते हैं। ये कभी तीसरा से पहला नहीं होते या चौथा से पहला नहीं होते। ये अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आते हैं और अपने फॉर्म में हमेशा बने रहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और आज हमारा फोकस निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर रहेगा। और इस लेसन में हम पॉजिटिव वाक्यों पर कोई खास डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव पर वाक्य बना चुका हूं और ये वीडियो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के पर्पज से मैं बना रहा हूं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला सेंटेंस देखना चाहते हैं, तो आप पार्ट टू देखिए। पार्ट टू में सिर्फ हम पॉजिटिव की बात किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर फोकस करें। मैंने एक वाक्य लिखा है, हालांकि ये पॉजिटिव है, लेकिन पहले मैं एक दो वाक्य आपको पॉजिटिव बताऊंगा ताकि आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव को अच्छा से समझ सकें। मुझे इसका ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो शब्द सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले, और हम पीछे जाएंगे, पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। खाता हूं का अंग्रेजी होता है ईट और रोटी का अंग्रेजी होता है ब्रेड। तो अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है कि सर आपने हूं का अंग्रेजी एम क्यू नहीं लिखा, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप पार्ट टू देखिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव बनकर तैयार हुआ। अब अगर किसी ने कहा मैं रोटी नहीं खाता हूं, तो आपको नहीं के लिए नॉट लिखना पड़ेगा और नॉट एक्शन के पहले लिखा जाता है, तो आप यहां पर नॉट लिखेंगे। लेकिन अभी आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि नहीं का अंग्रेजी तो नॉट होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं लिखा जाता है, चाहे लेसन कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं लिखा जाता है। तो ये नॉट कह रहा है कि कोई हेल्पिंग वर्ब लाओ, क्योंकि मैं बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता हूं, तो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। अब कौन हेल्पिंग वर्ब दीजिएगा, ये बात
वर्ब के शक्ल पर डिपेंड करता है। अगर ये पहला शक्ल है तो डू लिखेंगे, अगर दूसरा शक्ल है तो डिड लिखेंगे, तीसरा शक्ल है तो हैव हैज या हैड लिखेंगे, चौथा शक्ल है तो इजमार या वाजिबर लिखेंगे, पांचवा शक्ल है तो फिर डज लिखेंगे। तो आप खुद बताइए ये कौन शक्ल है। आप कहेंगे पहला, तो आपको लिखना पड़ेगा डू। दैट्स ऑल, ट्रांसलेट कर दिया गया। आइए दूसरा वाला देखते हैं। पहले मैं इसका पॉजिटिव ट्रांसलेट कर देता हूं। मैं को अंग्रेजी में कहेंगे आई और पढ़ता हूं तो अंग्रेजी होगा रीड, अंग्रेजी को कहेंगे इंग्लिश। लेकिन मान लीजिए अगर आपका वाक्य निगेटिव रहा तो, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आप क्या करेंगे, क्या टेंशन है, आप क्या करिए, इस एक्शन के पहले नॉट लगाइए। लेकिन वही पुरानी बात, नॉट कहता है कि मैं बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, मुझे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आप कौन हेल्पिंग वर्ब देंगे, ये तो आपके वर्ब के शक्ल पर डिपेंड करेगा। अगर शक्ल पहला है तो डू दीजिए, क्योंकि सर पहला शक्ल का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, दूसरा का डिड, तीसरा का हैव या हैड, चौथा का इजमार या वाजिब, पांचवा का डज। आप बताइए रीड ये कौन सा फॉर्म है, अगर पहला है तो यहाँ पर डू लिख दीजिए। दैट्स ऑल। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले कि हम अगला एग्जांपल देखें, आइए यहीं पर जरा इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। बाय गॉड, अगर आपके वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप अच्छा से जान लीजिए। अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी लेसन हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से है तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसका अंग्रेजी आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। और आप बताइए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं वर्ब के पहला शक्ल, दूसरा शक्ल और पांचवा शक्ल जब पॉजिटिव बने रहते हैं तो अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेते हैं, और ये अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद तब लेते हैं जब ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएं। तो अगर ये वाक्य क्या से रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपका जवाब है डू। सबसे पहले आपको डू लिखना पड़ेगा। अगर इस वाक्य की भी शुरुआत क्या से हो जाए तो आपको शुरू में डू लिखना पड़ेगा। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। पहले ये पॉजिटिव है, मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, हालांकि पॉजिटिव के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पार्ट टू में दे चुका हूं, तो अभी देने का मतलब कि टाइम को नुकसान करना। तो एक बार पॉजिटिव बनाऊंगा, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। ओके, वर्ब को अंग्रेजी में कहते हैं ही, और नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे डांसेज। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डांसेज क्यों लिखेंगे, तो आपको एक बार पार्ट टू देखना पड़ेगा। और रोज का अंग्रेजी होता है डेली, ठीक है, ये तो बना पॉजिटिव। लेकिन अगर सोचिए ये नेगेटिव हो जाए, वह रोज नहीं नाचती है, तो नहीं के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट, और नॉट कभी अकेला नहीं लिखा जाता, अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, चाहे वाक्य में कहीं भी लिखिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। अब कौन हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, ये तो वर्ब के रूप पर डिपेंड करता है, वर्ब के शक्ल पर डिपेंड करता है, फॉर्म पर डिपेंड करता है। आपका फॉर्म कौन है, पहला होगा तो डू लिखना पड़ेगा, दूसरा होगा तो डिड लिखना पड़ेगा, तीसरा होगा तो हैव लिखना पड़ेगा, चौथा होगा तो इजमार या वाजिब लिखना पड़ेगा, पांचवा होगा तो डज लिखना पड़ेगा। आप बताइए कौन सा शक्ल है, आप कहेंगे पांचवा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डज। अब ये एस जो है आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे। आप सोचेंगे सर क्यों मिटाएंगे, क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले इसी बात पर फोकस किया था कि वर्ब का पहला रूप, दूसरा और पांचवा पॉजिटिव में अपने हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाते, लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अपने हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं तो ये अपना रूप चेंज करके ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, यानी सभी पहला बन जाते हैं, कोई फॉर्म में नहीं रहता। ईट तो पहले से ही अपने फर्स्ट फॉर्म में है, एट भी ईट हो जाता है और इट्स भी ईट हो जाता है, इसीलिए डांसेस डांस हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल को ट्रांसलेट करते हैं।
पहले मैं इसे ट्रांसलेट करता हूं, वर्क अंग्रेजी सी और जाती है अंग्रेजी गोस और बाजार का अंग्रेजी टू मार्केट। अब ये अगर ये वाक्य निगेटिव हो जाए, जैसे कि वह बाजार नहीं जाती है, तो आपको एक्शन के पहले नॉट लिखना पड़ेगा। ये पांचवा शक्ल है जिसका हेल्पिंग वर्ब डज होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा डज। और जैसे ही आप डज लिखेंगे तो ये पांचवा रूप अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। सी डज नॉट गो टू मार्केट, सी डज नॉट गो टू मार्केट होगा सही आंसर। और आइए जरा इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो पॉजिटिव बनाया था, लेकिन मान लीजिए अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपको मैं बता दूं, किसी भी लेसन में, किसी भी लेसन में, चाहे वो टेंस हो या आउट ऑफ टेंस हो, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ये वर्ब के शक्ल पर डिपेंड करेगा। अगर वर्ब पहला शक्ल में है तो डू लिखिए, पांचवा शक्ल में है तो डज लिखिए। तो आप यहां गौर करिए ये वर्ब कौन सा शक्ल में है, पांचवा, तो आपको सबसे पहले डज लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहां डज लिखेंगे तो ये पांचवा शक्ल अपने पहले यानी ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये बात मैं आपको शुरू में ही बताया था। और अगर बात इस वाक्य की करें, मान लीजिए अगर यहां पर लग गया क्या, तो आप इस वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले लिख दीजिए डज, और ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। दैट्स ऑल। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। हम यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे जिसे हम डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह क्यों खाता है, मैं कहाँ पढ़ाता हूं, आप स्कूल कब जाते हैं। ये वाक्य अफर्मेटिव है, लेकिन हम पहले अफर्मेटिव ट्रांसलेट करेंगे फिर हम इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तरीका है, जो शब्द सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम पीछे से आगे को आएंगे। खेलना की अंग्रेजी होता है प्ले। अब मान लीजिए आपका वाक्य अगर ऐसा हो, मैं कहां खेलता हूं, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत इजी है, आपने जो बनाया उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अभी नया वर्ड आया है कहां, तो उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले करिए, ठीक है। अब आपको इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखना पड़ेगा, उसकी क्या जरूरत है? अगर हम हिंदी वाक्य देखें तो बस एक शब्द नया आया था, कहा, तो हमने लिख दिया वेयर। तो अब हेल्पिंग वर्ब का क्या चक्कर है? तो मैं आपसे कहूंगा, क्वेश्चन वर्ड के एक नहीं दो दो मीनिंग होते हैं। जैसे वेयर का पहला मीनिंग होता है कहा और दूसरा मीनिंग होता है जहां। उसी तरह अगर कहीं वेन लिखा है तो इसका पहला मीनिंग होता है कब और दूसरा मीनिंग होता है जब। अगर वॉट लिखा है तो वॉट का पहला हिंदी होता है क्या और दूसरा हिंदी होता है जो। तो अगर आप चाहती हैं कि वेयर का हिंदी प्रश्नवाचक बना रहे, वेयर का अर्थ कहाँ हो, वेन का अर्थ कब हो, वॉट का अर्थ क्या हो, तो आपको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। जब आप वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे तभी ये सवाल पूछेगा। अब सवाल ये है, आप हेल्पिंग वर्ब डू ही क्यों लिखेंगे, कुछ और क्यों नहीं? तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग आता है। अगर आपका फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपको डू लिखना होगा। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। शीता की अंग्रेजी होगा शीता, पीछे चलते हैं, पकाना की अंग्रेजी होगा, लेकिन हम इसमें एस लगा देंगे, और खाना की अंग्रेजी होगा फूड। अब मान लीजिए कि आपका ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाए, जैसे सीता खाना कब पकाती है, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत आसान है, अभी नया वर्ड आ गया कब, तो उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले कर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, नहीं तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड अपना अर्थ चेंज कर लेंगे। अगर आप वेन लिखे रहेंगे तो वेन का हिंदी कब नहीं जब हो जाएगा, अगर आप वेयर लिखे रहेंगे तो
तो वेयर कहेंगी कहाँ नहीं जहां हो जाएगा। अगर आप व्हाट लिख रहेंगे तो व्हाट कहेंगी क्या नहीं जो हो जाएगा। तो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। अब कौन हेल्पिंग वर्ब देंगे, तो आप वर्ब का शक्ल देख लीजिए, रूप देख लीजिए। अगर पहला है तो डू दीजिए, दूसरा है तो डिड दीजिए। लाजमी है कि ये पांचवा शक्ल है और पांचवा का हेल्पिंग वर्ब डज होता है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा डज। और जैसे ही आप डज लिखेंगे ये एस रिमूव हो जाएगा। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट के साथ बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।